मैम क्या वजह रही है जो इतने सारे बच्चों की मौत हुई? अब तो 100 से भी ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा। क्या प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग ठीक से ध्यान नहीं रख पाए? ये ज़रूर बात है, 100 से ज़्यादा बच्चे जो मरे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश सरकार के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई भी तरह से पहलकदमी नहीं की है गरीबी रोकने के लिए। वहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, कमज़ोर बच्चे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं और इसलिए बीमारी से भी वो बेहाल है। इसलिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, नीतीश सरकार फेल सरकार है, उन्होंने जो भी वादे किए जनता के साथ वो वादे निभाए नहीं, कतई निभा नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है। सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं, ना अमेरिका में, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, बीमारी का इलाज नहीं ये सवाल नहीं है, ये गुमराह करना चाहते हैं। कहीं बोल रहे कि बीमारी का इलाज नहीं, कहीं कह रहे हैं कि लीची खाने से लोग को ये एंसेफेलाइटिस हो रहा है, गर्मी से लू से लोग मर रहे हैं। सवाल है क्यों सिर्फ गरीब के बच्चे मर रहे हैं? वो ही मर रहे हैं ना जो कुपोषित है। तो असली मामला तो यहाँ पे है, आपकी कमजोरी कि आपने लोगों तक स्वास्थ्य सेवा, अनाज, अच्छा स्वच्छ पानी, जो फैसिलिटीज़ है वो पहुंचाई नहीं है। इसको छुपाने के लिए आप कह रहे हो इलाज नहीं है। 100 बच्चे मर रहे हैं, 2 बच्चे मरे तब आपने पहलकदमी क्यों नहीं की, तब आप चुप बैठे। अब 100 बच्चे, 200 बच्चे, अच्छा ये तो जिसको हॉस्पिटल में लेके गए, जो घरों में मरे हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। एक एक परिवार के सब सब बच्चे मर गए हैं, एक परिवार के 4 बच्चे थे, 4 के 4 अब दम तोड़ रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हो इसका इलाज नहीं है, कैसे हो सकता है? आप देखिए केरला की गवर्नमेंट ने वो नीपा वायरस जब आया इतनी जल्दी पहलकदमी की और लोगों को बचाया वहाँ पर। वहाँ पे वामपंथी सरकार है, वो सरकार ऐसी नहीं जो टाटा बिरला अंबानी का काम करती है। ये नीतीश कुमार बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मोदी के कंधे से कंधे लगाकर पूरे देश को और बिहार को बेचने का काम कर रहे हैं। सुशासन बाबू फेल हो चुके हैं, जरूर फेल हो चुके। नीतीश सरकार तो फेल सरकारी है, आज लोगों ने उनको रोक दिया, कहा नीतीश कुमार चले जाओ, जरूर फेल सरकार है। मैडम केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड जो एक योजना है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो गरीबों के लिए मुफ्त दिया जा रहा है, तो क्या वजह है कि ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जनता को ये दिखाया जा रहा है कि 5 लाख तक का उनका इलाज मुफ्त होगा और मासूम बच्चों की मौत हो रही है? तो यही हम कह रहे हैं ना, सरकार जो सही पैमाने पे करना चाहिए वो नहीं कर रही है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है। आप देखिए स्वास्थ्य का जो बजट है वो बजट कम हुआ है, खर्चा आप कम करोगे तो सरकारी हॉस्पिटलों में किस तरह से इलाज होगा? आप देखिए उस हॉस्पिटल में मुजफ्फरपुर में आईसीयू के अंदर आज ब्लड उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर एसी नहीं चल रहा है आईसीयू के अंदर, तो आप वहाँ पे पैसा नहीं दोगे, वहाँ पे सुविधा बढ़ाने के लिए कोई एलोकेशन नहीं करोगे और कहोगे कि हम लोगों को स्वास्थ्य देने वाले हैं, तो ये तो गुमराह करने की बात है ना? क्या मैम जो डॉक्टरों की हड़ताल है उसका भी असर पड़ा है ना बच्चों को? नहीं, अभी यहाँ पर तो कई दिनों से चल रहा है ना ये बीमारी, कई दिनों से चल रहा है भाई, तो कई दिनों से ये चल रहा है, उन्होंने पहलकदमी नहीं करी है। बच्चे तो कई दिनों से मर रहे हैं, अभी नहीं मर रहे हैं। तो डॉक्टरों का जो आंदोलन है जिसका हमने भी समर्थन किया है, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल आज इसका ये नहीं है। सवाल है ये कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन कोई पहलकदमी नहीं हो रही है।